गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए करवा चौथ निकल चुका है और अब आने वाली है दिवाली, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो एक के बाद एक त्यौहार तो लगे रहेंगे। तो हमें अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अब दिवाली आई है, तो दिवाली जैसे करवा चौथ आया था, करवा चौथ पे हमने अपनी थाली सजाई थी जैसे कि मेरे पीछे रखी है। अभी मुझे ये सारा सामान समेटना है और मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये सब सामान रखने के लिए, क्योंकि हर सीजन पे ये सामान निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं, दिवाली का अलग, करवा चौथ का अलग, ऐसे कर करके सारे फंक्शंस, सारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं सबके अलग अलग बने रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है और जैसे जैसे हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है हमें वो सामान मिल जाता है। तो मैंने बॉक्सेस के ऊपर लगाई हुई है चिट, उसमें लिखा हुआ है, जैसे एक दिवाली का बॉक्स है तो दिवाली का सामान ज़्यादा होता है तो बहुत काफ़ी बड़ा बॉक्स है वो मेरा, तो उसमें डेकोरेशन का सामान सारा रखा हुआ है और जो न्यू सामान जो भी होता है दिवाली के मतलब का वो रखा हुआ है। तो उस पर मैंने चिट लगा के दिवाली लिखा हुआ है और करवा चौथ का जो सामान है उसका बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है करवा चौथ। और जैसे जैसे अलग अलग सीज़न के आते हैं वैसे वैसे मैंने सब सामान बनाया हुआ है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को ईजी करना चाहते हैं तो ऐसा करके आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो अभी मुझे करवा चौथ का काफ़ी सामान समेटना है और ये थाली वगैरह यहीं रखी थी मैंने, ये भी अभी समेटनी है, इसको भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। तो मैं कह रही थी कि दिवाली आने वाली है तो दिवाली की हमने करनी है सफाइयाँ, तो आधी से ज़्यादा सफाई मैंने कर चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा घर काफ़ी बड़ा है तो मुझे काफ़ी सफाई करनी पड़ती है। और आज मैंने देखिए कारपेट वगैरह भी कहीं नहीं बिछाए हैं, उसका रीज़न ये है कि मैंने वो कारपेट वगैरह धोने हैं तो मैंने वो सब निकाल के रख दिए हैं, अब वो सब धुलेंगे। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सफाई तो मेरे को ड्राइंग रूम की, मेरे को एक वॉल पेंट करनी है, ये वॉल पेंट करूँगी मैं अपने रूम को, मैंने पेंट किया है अभी आधा हुआ है, पूरा जब हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने खुद से किस तरीके से अपने रूम को पेंट भी खुद किया है और डेकोरेट भी करूँगी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम की कर ली थी तैयारी पेंटिंग की, और जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी सारी मैंने उतार दी, और जितना भी देखिए पेंटिंग्स के नीचे थोड़ा थोड़ा सा जाला आ ही जाता है, और क्योंकि ऐसा होता है ना, छिपकली वगैरह जो होती है वो ऐसी ही जगह पर जाके छुपती है। तो ये देखिए पेंटिंग्स उतार ली है मैंने और इनको क्लीन करना है अभी, और ये वाली वॉल जो है इसको मैंने करना है पेंट। करी थी और ये देखो ये टेपों के निशान इतने लग गए हैं कि इसकी वजह से पूरी वॉल ख़राब हो गई है, और उस टाइम तो नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। अब दिवाली के टाइम पे कितना गंदा लग रहा है ये, चलो देखते हैं क्या करते हैं। क्यों बना लो और आप भी देखना हम क्या करते हैं, चलो पेंटिंग्स बना लो, पेंटिंग देखते हैं क्या होता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार ये सब खाली करो, साफ करो, इसको हटाओ यहाँ से सब पेंटिंग वगैरह, उसके बाद ये जगह खाली करके बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पामी ने काम किया है उल्टा, और ये देखो इसकी पजामी फट गई है, प्लाजो है ये फट गया है, इसने क्या करा गले से डाल के और जो पैरों का था ना उसमें हाथ डाल लिए और कह रही मेरा श्रग बन गया ये, और अम्ब्रेला बाजू का श्रग। हाँ नीचे करना जरा, दिखाना इसको जरा पामी को, देखिए देखिए खुश हो रही है, अच्छा लग रहा है ये, हाँ जी ठीक, तो गंदा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हस्बैंड लगा रहे थे फ़ैन, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था तो उसको साफ़ करना था, साफ़ करके उसके बाद उसको लगा रहे थे। और मैंने पकड़ी हुई थी ये घोड़ी, इसको घोड़ी बोलते हैं, और बस फ़ैन लग जाएगा उसके बाद। देखिए हमने ये कमरा जो है ये वाला पेंट कर दिया है, और अभी आपके साथ पूरा शेयर नहीं किया है, जब डेकोरेट हो जाएगा तब शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये हमने खुद से पेंट किया है, और स्टार्टिंग देखिए स्टार्टिंग की है हस्बैंड ने, और उसके बाद फिर मैं भी साथ में शुरू हो गई थी, तो हमने मिलकर ही ये किया है। और हमने एक बार पेंटर नहीं लगाया क्योंकि हमें एक ही रूम करना था, बाकी तो हमारा पिछले साल ही हुआ था, तो हमने एक रूम ये वाला किया और एक रूम की वॉल करनी थी सिर्फ, ड्राॅइंग रूम की। पेंट करने के लिए हम लोग ले आए थे रोलर, और एक ये वाला है, एक दूसरा है जिससे लाइनिंग हो जाती है, तो मैं फिलहाल तो प्लेन वाला यूज़ करूँगी, और रॉड है साथ में, ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी कर सकते हैं। देखिए तो इसमें एक टेंशन नहीं है कि ऊपर चढ़ के करना है सीढ़ी वगैरह से, तो स्पेशल ये रॉड मंगवा ली थी मैंने, अब इससे ये है कि नीचे खड़े खड़े पूरा हो जाएगा, तो इसलिए तो इसलिए इजी हो गया पेंट करना। अब चलो शुरू करते हैं,
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज लगा लिया अपना ड्राइंग रूम का नंबर और एक ही वॉल करनी है, तो हमने सोचा चलो ये भी निपटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम की भी वॉल कर रही थी पेंट, और हस्बैंड ने कॉर्नर्स पे कर दिया था ब्रश से, बाकी मैं रॉड से कर रही थी। तो बाकी का मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।